की थोड़ी डिप्रेसिंग सी बात लगेगी बट फैक्ट है कि कभी आप लोग सोचना कि हम लोग पैदा क्यों होते हैं, हम लोग पैदा होते हैं मरने के लिए। एक ही ट्रूथ है लाइफ में और वो है कि बेटा तुम पैदा हुए और एक दिन तुम मरोगे। अब उसके बीच में, पैदा और मरने के बीच में आपके साथ क्या होता है, आप क्या करते हो, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपकी अपनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अपनी पर्सनल स्ट्रगल, अपनी पर्सनल जर्नी है, उसमें आपको कोई मदद नहीं करने वाला है। चाहे आपको लोग कुछ भी बोले कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप करोगे वही जो आपको करना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे दिल से इंजीनियरिंग करने आए हैं उनको मेरी मुबारकबाद। बाकी जो एम ही आए हैं उनको भी मेरी मुबारकबाद, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ और करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। अब क्योंकि मैं आपके साथ मिलके क्रैक करना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रैक एंड हाउ डिड आई क्रैक द एनिग्मा एंड हाउ कैन वी गो अबाउट इट, तो उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताना चाहता हूँ आपको। मैं 9वीं क्लास तक मैंने काफ़ी अच्छा किया, तो 9वीं क्लास के बाद आपको पता है कि 9वीं के 9th के अराउंड उम्र कितनी हो जाती है, उसको बोलते हैं स्वीट 13। स्वीट 13 में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, फिर वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं आपको जो आप पहले कर रहे थे वो हटवा के कुछ और करवाते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग खुद समझदार हैं ना। तो दिमाग जो है सब वहाँ पे लगने लग गया, और वहाँ लगने लग गया तो कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे लोग मिले वहाँ कानपुर की गलियों में, सड़कों में, जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, और वो लोग थे भाई लोग। तो मैं उन लोगों का टोरा देखता था, कानपुर में ऐसे भरे पड़े हैं कि मतलब कोई चले जा रहा है रिक्शा वाला जो बेचारा बैठ के गर्मी में बीड़ी पी रहा है, थका हुआ है, खाना खाने को नहीं मिला है, पसीने छूट रहे हैं, तो एक छोटा सा मोहल्ले का बदमाश इधर से गया बीड़ी उसके मुंह से फेंकी, बुझाई गया बीड़ी पीना मना है। तो मैं ऐसे दूर से देख रहा हूँ उसको, मैंने ये कौन सा प्रोफेशन है यार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे। तो बड़ा ट्राई किया मैंने कि मैं मतलब कि भाईगिरी करेंगे यार, बदमाश बनना है। क्या है कि इसमें एडवेंचर भी है, रोमांच भी है, इसमें पावर भी है और इसमें मज़े भी हैं। तो वो भी ट्राई किया। सबसे पहला मेरा प्रोफेशन अगर मैं बोलूँ तो वही था कि वो ट्राई करते हैं। खैर ये 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं डिटेरियरेशन होता रहा एकेडमिक्स में। स्कूल के टाइम में मुझे बदमाशी के बजाय एक और अटेंशन सीकिंग चीज़ पता चली, उसका नाम था ड्रामेटिक्स। और ड्रामेटिक्स में अटेंशन सीकिंग के बारे में मुझे अभी हाइंडसाइड में पता चल रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा था मैं स्कूल में। जैसे कि गुंडा भाई बनना है तो वो भी अटेंशन सीकिंग ही हरकत है। तो मैं, मुझे याद है मैं पहली बार स्टेज पे गया और मैं कुछ तो ऐसा नारद मुनि प्ले कर रहा था और कुछ तो कर दिया मैंने यार। तो जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी, कोई एनुअल डे फंक्शन था स्कूल का, और धड़ाधड़ तालियां बजी। मैंने कहा ये क्या है यार, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये ट्राई करके देखा जा सकता है। उसके बाद से मैं हमेशा हर साल जो है इन्वॉल्व रहता था ड्रामेटिक्स में, एलोक्यूशंस में, डिबेट्स में। एक कुछ तो नया विंडो खुला फिर कि इसमें एनर्जी चैनलाइज करी जा सकती है, बट वो एनर्जी जो है वो आई थिंक उस टाइम इतनी रॉ थी और इतनी 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 रैंडम थी कि, और इतनी ज़्यादा थी कि उसको चैनलाइज करने का कोई स्कोप था नहीं, और प्लस मैं बहुत बहुत छोटा था, इन बातों की समझ भी नहीं थी तब। एनीवेज कानपुर से निकाला गया, मम्मी ने बड़ी मिन्नतें करी, मुझे भी थोड़ी अकल आई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। तो क्या है वो थोड़ा जो कानपुर का रेसिडुअल इफेक्ट था कि हम भी ये हैं, हम वो होते हैं और ये होते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो एक दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में। पहले साल आई वॉज एक्सट्रीमली लोनली, आई थिंक आई हैव बीन द लोनलीस्ट एवर इन माई लाइफ इन दैट फर्स्ट ईयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई कैन नेवर एवर फॉरगेट दोज टाइम्स। एंड बट अ वेरी गुड थिंग केम आउट ऑफ इट दैट इन दैट लोनलीनेस I ended up making two really beautiful friends, just two of them.
and used to hang out, and I saw Delhi from their eyes, from their perspective, which was completely different from mine. So there was a window, there was a window that opened. एक खिड़की खुली जिसने मुझे एक नई दुनिया दिखाई, कुछ नए किस्म के लोगों से मिलवाया. वो लोग बहुत ही आर्टिस्ट मेंटालिटी के लोग थे, तो साथ में खाना वाना खाना, ये करना वो करना. बट सम अ होल स्टार्टेड टू ग्रो इनसाइड ऑफ मी. अभी मैं कंप्लीटली आउट देयर था, अनप्रोटेक्टेड था. सडनली कुछ मेरे दिमाग में ठनका कि ये लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी तुम्हारा कुकून है, जहाँ पे भी तुम कंफर्टेबल हो, उसको अनकंफर्ट में बदलना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक ही जगह पे बैठ जाओगे तो फिर आप बैठ जाओगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में. कमिंग टू आवर टॉपिक, क्रैकिंग द एनिग्मा, आई थिंक दैट वॉज अ स्टार्ट. कीप मूविंग, नेवर बी स्टिल. And it's not only geographically, it is inside of you. Always keep moving. You know, keep your head churning, keep your heart moving, keep observing, keep learning things. Anyways, यहाँ से एक नया बीज बोया गया, और life is very magical when you're ready to understand it, when you're ready to live it, when you're actually ready to expose yourself to it. It gives you gifts. So my gift was in the second year of college, where there was this huge advertisement, calling out actors and actresses for a musical called Blood Brothers. आप लोग कभी उसका research करना, बहुत बहुत बड़ा बहुत बहुत famous musical show है वो. तो मैंने वो, मेरे कुछ दोस्त थे पड़ोस में बने थे जहाँ मैं दिल्ली में रहता था, शालीमार बाग में. मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या है, मैं आई रियली वुड लाइक टू नो अबाउट दिस पर्सन. उनका नाम था बैरी जॉन. जो हैं थिएटर के स्टॉलवर्ट हैं, लेजेंड हैं बेसिकली. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है. एनीवेज मैं वहाँ गया, आई रिमेंबर दैट डे. एंड देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड गार्गी कॉलेज इन दिल्ली, इन साउथ दिल्ली. और शाम को वहाँ पे ऑडिशंस थे. And I remember this seminar room, not as huge as this, but the feeling was somewhat like this. मैं वहाँ अंदर घुसा, वो बहुत ही magical दिन था वो. मैंने दरवाज़ा खोला और the sound, the noise, the conversations hit me, and my eyes just went big. और वहाँ पर जो मैंने लोग देखे, ऐसे लोग मैंने कभी देखे ही नहीं थे लाइफ में. मतलब इन लोगों के बीच में मैं कभी रहा ही नहीं था. पढ़े लिखे, इंग्लिश स्पीकिंग, अलग दुनिया, अलग बातें, अलग म्यूज़िक. मैं हिंदी भाषी आदमी, अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती थी. पढ़ते इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, लेकिन लिख लेते थे इंग्लिश बहुत अच्छी, बोल नहीं पाते थे. कितने लोग ऐसे करते थे स्कूल में. तो वो दुनिया मिली मुझे वहाँ पर. और मैंने कहा यार थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वॉइड में था, इतना ज़्यादा लॉस था, कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था. प्रभु थैंक यू. तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया. एक कुछ अलग ही सोसाइटी थी वो, एक कुछ अलग ही लोग थे वो. वहाँ पे वो दुनिया थी, क्योंकि वो सब कलेक्टिव आर्टिस्ट्स थे वो. तो वो हमेशा आपको आगे करते थे, प्रमोट करते थे, आपका उत्साह बढ़ाते थे. तो 3-4 साल वहाँ पर मैंने जम के काम किया. मैंने ये दुनिया देखी थिएटर की दिल्ली में, और अब डिसाइड कर लिया मन में. जब पहला चेक मिला ब्लड ब्रदर्स के बाद, 4,000 रुपये का, कुछ 4-5 महीने काम करने के बाद, अब क्या है कि मेरा दिमाग चला गया वहाँ, अब मुझे एक्टर ही बनना है. मैंने और मेरे एक दोस्त ने एक स्कीम किया है. ऑस्ट्रेलिया हैज़ ओपन्ड इट्स डोर्स टू द वर्ल्ड मम्मी. तो मैंने और मेरे दोस्त ने पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाया, कि इतना आपसे लेंगे पैसा, फिर 6 महीने वहाँ पे जाएंगे, फिर 3 महीने की छुट्टी होती है उसमें काम करेंगे, फिर अपना पैसा खुद कमाएंगे, अपनी पॉकेट मनी खुद कमाएंगे. बस ज़्यादा खर्चा नहीं है, 5-6 लाख रुपये खर्चा दे दो. मान गए वो लोग, मैं चला भी गया. पढ़ाई लिखाई भी करी, जो सोचा था वो भी किया. बर्तन मांजे, वेटरी करी, टैक्सी चलाई,
रोना धोना हुआ, नए दोस्त बनाए, नई दुनिया बनाई। दिल्ली में जो एक्सपीरियंस हुआ था उस एक्सपीरियंस ने यह हेल्प किया कि आप अपना नेस्ट छोड़ के किसी और जगह पे गए थे, अब आप मतलब वो नेस्ट जिस देश में था उसी को छोड़ के किसी और घोंसले में चले गए जो देश से बाहर है। एंड ऑल सेड एंड डन, जो भी मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, आई कैन वेरी कम्फर्टेबली एंड वेरी 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 ओपनली से दैट इट मेड अ मैन आउट ऑफ मी। That is why the concept of keep moving, keep shifting your place, don't get too comfortable in one spot. Then I had to come back, क्योंकि 2001 में recession आ गया, वो मैं कुछ job वॉब कर रहा था वहाँ पर, वो job cancel हो गया contract, मुझे वापस आना पड़ा, visa बढ़ नहीं सकता था। फिर मैं दिल्ली गया, फिर मैंने वहाँ पर एक job करी, और वहाँ पर क्या होता था, typical Delhi life, 9 to 5 वहाँ पर काम कर रहे हो आप, और शाम को जो है मुर्गे टिक्के, तो मुर्गे तो शुरगे तो शराबे तो ये सब चलने लग गया वहाँ पे। फिर मम्मी जी ने बोला मेरी कि बेटे तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हुई, आई थिंक तुम शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, ये शायद जो वर्ड है ना ये शादी से ही होगा कंप्लीट। तो मैंने ये मुर्गे थे शुरगे थे तीतर थे बटेर थे शराबें जो चल रही थी वहाँ पे, तो मैं गया एक प्रेम स्टूडियो है दिल्ली में, तो मैं वहाँ पे गया, हाईली रिकमेंडेड था प्रेम स्टूडियोज, तो मैं उधर गया और मैंने फ़ोटो खिंचवाई और मैंने अपनी फ़ोटो देखी, जितना मैं आपको अभी दिख रहा हूँ इससे 3 गुना ज़्यादा था बड़ा मैं, इतना बड़ा मुँह। मैंने कहा ये कौन है यार, ऐसा थोड़ी ना था मैं। इट वॉज शॉकिंग, इट जस्ट जोल्टेड, इट जोल्टेड मी, दिस इज़ अनहेल्दी, दिस इज सिक। एंड सडनली आई एम दिस प्लेस कॉल्ड बंगाली मार्केट वेयर आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली, और मैं दुखी हूँ लेकिन मैं इतना बड़ा ना 2 बड़े बड़े समोसे लेके खा रहा हूँ, दुख में आदमी ये सब ना ज़्यादा खाता है, बड़ा मज़ा आता है फिर उसको। तो मैं खा रहा है ना, सडनली बम्प इनटू अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड जिसके साथ मैं थिएटर करता था दिल्ली में बारी के टाइम में, पता नहीं कहाँ से मैजिकली आ गया वो, और उसने बोला कि यार क्या कर रहा है तू। मैंने कहा मैं तो ये सब कर रहा हूँ। तो अच्छा अच्छा, मैंने कहा तू क्या कर रहा है। मैं तो थिएटर कर रहा हूँ। मगर यार ये कमाल है, दिस इज़ कॉल्ड डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड फोकस, यू नो, कि वो वही कर रहा है जो तब से कर रहा था वो। तो उसने बोला यार मैं ऐसे ऐसे वही फिर वापस, यू नो, लॉ ऑफ सर्कुलरिटी, मैं वहीं गार्गी कॉलेज में करता हूँ रिहर्सल जहाँ मैं सालों पहले गया था, बैरी के साथ मिला था, और तू भी आ जा और हम लोग शाम को करते रिहर्सल ऑफिस के बाद आ जा। तो मैं जाने लगा, सडनली द सेम डोर्स ओपनड, द सेम डोर्स दैट आई सॉ अनदर, यू नो, another set of the world, those doors invited me back again, the same seminar room, the same college, the same guy, different people but with the same mentality as before. It was like homecoming, it was like homecoming, and it overwhelmed me. So I started rehearsing with these guys every evening and it gave me so much joy. It was unbelievable joy. And randomly, I just went back to my office and told my boss that I can't carry anymore and I'm resigning and I only want to do theater. एक पता नहीं कहाँ से एक स्ट्रेंथ आई अंदर से कि यही करना है, अब चाहे भूखों मरने की नौबत आ जाए, अब यही करना है, क्योंकि I've been given a second chance, you know, and this cannot be a coincidence. It has to be my truth. This is my truth. So I started again doing theater, left my job. Ab main theater karun, shaam ko take away jaun, theater karun, take away jaun. Life is set. It was beautiful. I couldn't have asked for nothing more. Phir ek phone aata hai Mumbai se, Randeep Hooda ka, ki yaar main aise aise film mein lead kar raha hu, tujhe aana hai to tu yahan pe aake jaldi se aa ja, Ram Gopal Verma se milwayenge और बहुत सारे, यू नो, और डायरेक्टर से मिलवाएंगे और बहुत सारे इसमें कैरेक्टर रोल्स हैं अच्छे अच्छे, और तू आके ऑडिशन कर, किसी न किसी में तो फिट हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। सो दिस इज़ हाउ एट द एज ऑफ 30 आई रीच्ड मुंबई टू बी देयर परमानेंटली विद द माइंड दैट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, नथिंग एल्स। अब ये संन्यास है, अब या तो ये होगा, या तो आर होगा या पार होगा, और कुछ नहीं होगा। And slowly, steadily, you know, first I got this film within 10 months where I'm playing the lead,
Mahima Chaudhary is the heroine, Anupam Kher Saab is playing the antagonist. एंड मेरे दिमाग में सीधे ये आ गया कि अरे इतनी क्या स्ट्रगल करते रहते लोग यार, 10-11 महीने में तुम्हें हीरो बन गया मैं। अब वो फिल्म मिली, मैं गया वहाँ पे न्यूयॉर्क, 35-40 दिन रहा वहाँ, शूट किया, वापस आया, वहाँ पे टैलेंट ये टैलेंट वो और आओ भगत और वेलकम दिस दैट। लव्ड द अटेंशन, लव्ड इट, ओनली टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई केम बैक there was absolutely zero attention, nobody knew back me back home, nobody gave a shit, and then the whole battle of, you know, going back to the bottle and, you know, blasting everybody around you, this and that, and the black hole kept growing till I discovered theater again in Mumbai, and which made me realize that brother, you are seeking the wrong thing through what you're doing. It is not about getting attention, it is not about glamour, it is not about fame, it is not about stature, it is none of that. It is the need to love your craft, whatever your craft might be for you guys. The need to be in love with your craft, the need to be in love with it so much that nothing else matters, because everything else will happen on its own if you love your life and love what you do. So to conclude this, I don't think I have cracked the enigma. I don't think it's crackable, because it's lifelong. It's because you were born to die, you will only crack whatever you will on your deathbed. Till that time, just keep fighting and keep loving yourself and your job. Thank you very much.